हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिंदास आइडिया में। और आज मैं एक न्यू आइडिया के साथ आ गई हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने हरे पी की पकौड़ी बनाई थी और उसको सर्व किया था हरे धनिए की चटनी के साथ। तो मेरे एक फ़ैन का ये डिमांड था कि मैं उन्हें हरे धनिए की चटनी की रेसिपी शेयर करूँ। तो आज मैं अपने फैन को ये रेसिपी शेयर करने आई हूँ। और यकीन मानिए, ये काफ़ी लाजवाब धनिया की चटनी है और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट में हम इसको बनाएंगे। आपने चटनी तो बहुत खाई होगी, पर हमारी ये धनिया की चटनी एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत बहुत ही यम्मी लगेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चटनी बनाने की विधि की तरफ। हमने एक पैन गरम कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें गार्लिक के कुछ पीसेस निकाल कर इसको पकाएंगे थोड़ी देर तक। ये 1 गार्लिक हमने लिया है, इसको सॉटे करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये गार्लिक हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और मैं आपको इस चटनी की एक सीक्रेट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत से लोग चटनी तो बनाते हैं, लेकिन ये हरी मिर्च और गार्लिक को एक साथ सॉटे करते हैं। दोस्तों, इससे तो चटनी तो हमारी बन जाती है, लेकिन गार्लिक का फ्लेवर खिलकर नहीं आता है। इसलिए मेरा सीक्रेट ये है कि कभी भी हरे धनिए की चटनी बनाए तो गार्लिक को अलग सॉटे करें और हरी मिर्च को अलग सॉटे करें। हमने गार्लिक को निकाल लिया है, अब हम इसमें हरी मिर्च की कुछ कलियां डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने 10 हरी मिर्च ली है, क्योंकि हमें थोड़ा तीखा चटनी पसंद है। इसलिए आप मिर्च अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। आपको तीखी चटनी खानी है तो थोड़ी ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं, और कम खानी है तीखी तो आप 2-3 कलियों के साथ भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारी हरी मिर्च भी सॉटे हो चुकी है, इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम मिक्सी का एक छोटा सा जार लेंगे, इसमें हम कोरिएंडर लीव्स हमने थोड़ी सी वॉश करके रख लिए, छोटे छोटे काट कर। इसको बहुत हमने रफली चॉप किया है, इसको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम जार में डाल देंगे। इसमें अब मैं ग्रीन चिली ऐड करूंगी जो हमने रोस्ट किए थे, गार्लिक डालूंगी जो हमने रोस्ट किए थे। और इसमें मैं तो होममेड पिकल ऐड कर रही हूँ, ये मैंगो पिकल है, क्योंकि मुझे मैंगो पिकल का टेस्ट बहुत पसंद है हरी चटनी में। आप इसमें चाहे तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या पिकल या लेमन। इसमें सॉल्ट हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, पानी हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहेंगे और बीच बीच में चटनी को खोल कर देखते रहेंगे जब तक हमारी चटनी स्मूथ ना हो जाए। अब हम इसका कवर बंद कर इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको ग्राइंड किया है, इसमें पानी अभी कम है, हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। इसी तरह हम करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और हमने इसको अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारी चटनी ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको आपको इसको सर्व कर कर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ये चटनी इतनी टेस्टी है कि अगर आपके घर में कुछ भी चटपटा ना हो, आपको चटपटा खाने का मन करे, तो आप किसी भी खाने के साथ राइस हो या किसी भी खाने के साथ ये चटनी को बनाकर आप चटपटा टेस्ट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही लाजवाब चटनी बनकर रेडी हुई है। इसको मैं थोड़ी सी खड़ी कोरिएंडर लीव से गार्निश करूंगी। देखिए, चटनी मैंने निकाल ली है, इसको मैं थोड़ी सी कोरिएंडर लीव से गार्निश कर रही हूँ। और ये चटनी बिल्कुल हमारी तीखी चटपटी चटनी रेडी है। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप कभी भी सॉल्ट ऐड मिक्सर के जार में ही इसको ऐड करें, कि आपका सॉल्ट चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये प्रॉपर फ्लेवर इसका आए। और ये चटनी रेडी है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, चाहे पकौड़ी हो चाय हो, किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन दबाना जरूर याद रखें कि हमारे जितनी भी वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।